बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है, जिसे हम कद्दूकश करके ही बनाते हैं। और हमने इसे कद्दूकश ही करके बनाना है। क्रश करने वाली अब तो बहुत अच्छी, ये चॉपर के अंदर भी होते हैं ब्लेड लगे हुए, जो कि मैं आपको अभी इसके अंदर दिखाऊँगी। ये थोड़ा सा मैंने क्लिप इसके अंदर दिखाया है, ये बहुत आसानी हो गई हमारे लिए। और इसे इसी तरीके से आप बनाइएगा, बाकी टिप्स मैं आपको आगे चलकर दूंगी। इसके लिए मैंने दूध लिया है 2 किलो, और 2 किलो ही गाजरें हैं इधर। इस स्टेज पे ये 2 किलो हैं, और इसके अंदर चीनी जाएगी हसबी ज़रूरत, और देसी घी की जगह मैं बलाई, जो रोज़ाना हम दूध से निकालते हैं, हर घर में ये उतारी जाती है। ये मैंने एक प्याली ली है, तकरीबन ये 300 ग्राम या 400 ग्राम होगी। और बादाम लिए, जिसे मैंने पानी में भिगो दिए। ये तो ऑप्शनल है कि आप इसमें अंदर जो मर्जी डालें, ना भी डालें तो बहुत टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया। मज़ेदार गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। कभी भी गाजरें डालकर उसके अंदर घी डाल के भूनते नहीं है कि पानी खुशक हो जाए गाजरों का और हम खोया डाल दें फौरन के फौरन। इस तरह हैवी हलवा बनता है। जब हम दूध के अंदर गाजर को पकाते हैं तो इसी से ये मज़ेदार भी बनता है, और आप जितना मर्ज़ी खाएं तो आपको भोजन महसूस नहीं होगा, और ये हैवीपन जैसे मैदा हज़म नहीं करता। आजकल के मैदे तो इसी तरह के हैं। तो इसके अंदर ये मैं गाजर डाल दूँगी। इसे मैंने सबसे पहले छीला था, और छील कर मैंने धोकर फिर मैंने क्रश किया। जब 1 किलो दूध पककर तैयार होता है, तो उसके अंदर से तकरीबन 1 पाव के आसपास खोया बनकर तैयार होता है। तो 1 किलो गाजर के अंदर 1 पाव खोया बहुत है, और 2 किलो गाजर के अंदर हम 2 किलो ही दूध डालेंगे। और मैं इसे इसी तरह पकने दूंगी ताकि गाजर इसी के अंदर पके और इससे जायकेदार बनते। जब हम साबुत गाजरों को प्रेशर कुकर में या मुख्तलिफ, मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि अंदर ही दूध डाल के और उसे मैशर से मैश कर देते हैं, पोटैटो मैशर से, तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेके आते। जब हम भुनाई करेंगे आगे, तो ये जिस तरह इस तरह के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इसी से ये भुनाई अच्छी होगी। वो जो मैश हो जाते हैं आलू की तरह, उसके अंदर भुनाई नहीं होती, और खाने में भी वो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो आपने वीडियो को पूरा देखना होता है। सदियों से चला आ रहा हमारा ये रवायती तरीका गाजर का हलवा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखें, इसने दूध और गाजर पकना शुरू हो गई है। वक्फे वक्फे से मैंने इसे हिलाते रहना है ताकि उबल कर दूध बाहर ना आ जाए। दूध और गाजर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, और 15 मिनट ही और लगेंगे। ये आधे घंटे में ही गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, दूध से ये खोया भी तैयार हो गया, और हमारी गाजरें भी पक गई हैं। आपको इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ये मलाई डाल देनी है। इसमें से घी भी निकलेगा और इसका दाना भी बनेगा। अभी मैं इसे 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका भी पानी है ये खुशक हो जाए, और मलाई का अच्छा सा दाना भी बन जाए, और गाजर भी भुन जाए। ये देखें किस तरह का ये गाजर का हलवा तैयार हुआ, कि इसके अंदर खोया ज़्यादा नज़र आ रहा है और गाजर कम नज़र आ रही है। इस तरीके से बनाएंगे तो गाजर का हलवा बेहतरीन बनकर तैयार होगा। पुराने तरीके को ही लेकर चलते हुए मैंने ये गाजर का हलवा बनाया है, नए तरीकों को छोड़ें। इसका पानी भी खुशक हो गया है। ये देखें, इसके अंदर इस तरह खोए की लेयर होती है। ये देखें, खोए का दाना इस तरह का बना है, और बेहतरीन ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। बस थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत है, और ये देखें पानी सारा इसका, मलाई का भी खुशक हो गया, और इसके अंदर से जो हमारा देसी घी बनना था वो भी बन गया। अब इस स्टेज पर मैं 2 टेस्ट चीनी डाल दूँगी। अब चीनी पानी छोड़ेगी, और चीनी का ये मैं पानी खुशक करते हुए इसे भूनूँगी।
दूध में पकने से गाजर का ज़रा कलर हल्का हो जाता है और जब चीनी डालेंगे तो दोबारा से उसी कलर में लौट आएंगे। ये देखें, जब मैं साइड पे करती हूँ तो नीचे ये हल्का सा ये लिक्विडी सी है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसे मैं मज़ीद भूनूंगी। ये देखें, गाजरें अच्छी तरह भून चुकी है और इधर से ये घी भी रिलीज़ हो रहा है। ये देखें, इसके अंदर से जो हमने मलाई बनाई थी, मलाई डाली थी, उसी के अंदर से ये घी रिलीज है। अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दूंगी। बस इसे अब ज़्यादा नहीं हमने भूनना, इलायची पाउडर डालकर सिर्फ एक मिनट ही हमने इसे भूनना। उम्मीद है आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाने में। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि दूध का पानी खुशक करना है, फिर उसके बाद हमने मलाई का पानी, इस तरह आगे से आगे हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा। इकट्ठे हमने सारी चीज़ें नहीं डाल ली, जो हम पहले घी डाल देते हैं या बगैर घी के हम गाजर का पानी खुशक करते हैं, तो इस तरह गाजर बहुत हैवी होती है। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी भी खाएंगे तो ये हैवी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे खा सकेंगे। अगर खोया भी डालें तो खोया भी तरीके से डालें, इसमें ज़्यादा खोया खोया ही ना कर दें, सिर्फ गाजरें भी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।